So, Vidya, this is lecture number 7, part B. Okay, this is part B of lecture number 7. And we were discussing about human digestive system. ठीक है, so let's draw the digestive system. आपको कॉपी में बनाना है और बनाना सीख लो. ठीक है, कैसे बनता है. ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं. मान लो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग, ठीक है, ये माउथ हो गया इस तरीके. ठीक है, सो यहाँ से देखो हम एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर बक्कल कैविटी और हमारे नोज से भी ये पार्ट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. ठीक है, इस तरीके से दिस इज योर पर्टिकुलर माउथ. ठीक है, ये वाला रीजन जो ट्रांसवर्स लिप होगी दैट इज माउथ और ये नोस्ट्रिल्स हो गए आपके. ठीक है, यहाँ पे जो कैविटी है, ठीक है ना, माउथ के अंदर जो कैविटी है, इस पर्टिकुलर कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी, ठीक है. अब बक्कल कैविटी के बाद ये जो पीछे का हिस्सा है, ये वाला जो रीजन, ये बड़ा सा बोल्ड सा रीजन है, इसको बोला जाता है फेरिंग्स. क्या बोलेंगे, फेरिंग्स. और आगे चल के ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप. ठीक है, इसको क्या बोलोगे, फूड पाइप. दूसरा नाम हमने इसका बताया था ईसोफेगस. ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप भी बोल सकते हो और ईसोफेगस भी बोला जाता है. देखो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी. टोटल एलिमेंट्री कैनाल की कितनी बताई थी मैंने, मैंने बताई थी 9 मीटर. उसमें से 25 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी, ईसोफेगस. ठीक है, अब मान लो ये डायग्राम आपने बनाया तो ऑब्वियसली इसका जो स्टमक वाला हिस्सा है वो लगभग यहाँ आएगा, तो रेशियो का थोड़ा ध्यान में रखना. ठीक है ना, अब देखो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, सी शेप जो है, इन्वर्टेड सी शेप. क्या मिलेगा आपको, बोल्ड रीजन मिलेगा, ब्रॉड रीजन मिलेगा, दैट इज नोन एज स्टमक. क्या बोलते हैं इसको, स्टमक. ठीक है, और स्टमक के बाद यहाँ पे ये जो ईसोफेगस यहाँ ओपन हो रही है, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे भी शो कर सकते हैं. ठीक है ना, होता क्या है, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ईसोफेजियल जो है स्टमक, ईसोफेजियल यहाँ पे क्या होगा, स्फिंक्टर होगा. ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जब हम खाना यहाँ पे डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टमक में डालने के बाद स्टमक से वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए स्फिंक्टर. स्फिंक्टर का मतलब जैसे ट्यूब है, ट्यूब क्या करेगी, ऐसे कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. वाल्व अलग चीज होती है, स्फिंक्टर अलग चीज होती है. तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा दैट इज नोन एज ईसोफेजियल. ईसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर यू मान के चलो कि ये बंद हो जाता है, ऐसे पाइप है, ये पाइप ऐसे सुगड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. ठीक है ना, और जो फूड है वो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, वो ऊपर बैक फ्लो नहीं होगा, यहाँ से कोई भी चीज ऊपर की तरफ नहीं जाएगी. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फूड स्टमक में जाने के बाद स्फिंक्टर अपने आप क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. ठीक है, ऐसा ही स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, इस तरीके से यहाँ पे भी होगा. ठीक है ना, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं. यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद ये आपकी हो गई ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमने बना दी ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ऐसे करके अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो रही है, एनस. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ऐसे आके और यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है और अल्टीमेटली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से मिल जाती है. ठीक है ना, आपकी एलिमेंट्री कैनाल आगे हम पढ़ेंगे. पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पार्ट जो अगर कोई है दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन. तो दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये जो अंदर की तरफ पीछे से आ रहा है इसके साथ मिक्स मत कर देना इसमें. ठीक है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन. और यहाँ से स्मॉल, देखो यहाँ से ज्वाइन हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे ज्वाइन हो रहा है ऐसे करके. तो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और अल्टीमेटली इसके चारों तरफ इसको लूप की फॉर्म में घेर के और अल्टीमेटली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अनवॉन्टेड वेस्ट टेम्पररली स्टोर होगा, दैट इज नोन एज रेक्टम एंड द स्पोर इज नोन एज एनस. ठीक है, फ्रॉम वेयर फूड वेस्ट फूड इज डाइजेस्टेड आउट. ठीक है ना, तो ये हमने बनाई एलिमेंट्री कैनाल. अब देखो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने क्या कहा था, कुछ क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है.
तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने पढ़ा कि जो स्टमक की वॉल होती है, ठीक है ना, वो क्या सिक्रीट करती है, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, तो वो क्या सिक्रीट करेगी, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर ग्लैंड होती है जो क्या सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो दो ग्लैंड तो हमने ये पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपकी बक्कल कैविटी के अंदर, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एक पेयर आपके कान के नीचे होगा, दो पेयर आपके माउथ में होते हैं, तो थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में ऐसे करते हैं। ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, क्या बोलोगे, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स, समझ में आया, सलेवरी ग्लैंड, क्लियर। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे इस रीजन में, लगभग इसके आसपास, यहाँ पे इस रीजन में एक ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे हम ग्लैंड, ग्लैंड ही है, ठीक है ना, ग्लैंड ही है वो, बट हम उसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऑर्गन भी बोल सकते हैं, आप यू आर ऑल वेल नोन, आप सभी को उसके बारे में पता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसको क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है, जो स्टमक के बिल्कुल पास में होता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है ये, आपको डायग्राम अच्छे से समझ में, इसलिए मैंने थोड़ा सा खुला खुला बनाया, ये इसके ऊपर की तरफ होता है, इसको ऐसे हाई, इसके पीछे की तरफ से वो जो है पाइप आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है इस वाले हिस्से में, कुछ इस तरीके से ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बॉल ब्लडर, बॉल ब्लडर, पित्त की थैली बोलते हैं ना जिसे, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, बॉल ब्लडर। काम क्या होता है, ये लिवर क्या करता है, अपना सिक्रीशन जो सिक्रीट करता है उसे इस बॉल ब्लडर के अंदर स्टोर करके रखता है, और फिर उसके बाद यहीं से जो है लिवर से ये क्या है, ट्यूब यहाँ से बाहर आती है, ठीक है ना, लिवर से ही ट्यूब बाहर आएगी, आगे कैसी क्या ट्यूब होती है वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लिवर से ही क्या आ रही है, ट्यूब बाहर आ रही है, और उस ट्यूब में इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है, वो ट्यूब अल्टीमेटली कहाँ आती है, वो ट्यूब यहाँ तक आती है, आगे फिर कहाँ किससे मिलती है बाद की बात है, ठीक है ना। तो एक तो ग्लैंड हमने पढ़ी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड जो पढ़ी हमने दैट इज लीवर, और तीसरी ग्लैंड जो होती है, तो यहाँ पे एक लीफ शेप ऐसे करके, लीफ शेप, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे लीफ शेप जो है एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, पेंक्रियास, क्या बोलोगे, पेंक्रियास, ठीक है। तो देखो ये जो लीवर से सिक्रीशन आ रही है वो पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर ही होती है, और फिर ये जाके किस में ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लिवर से जो सिक्रीशन आ रही है, एक्चुअल में जो लिवर की सिक्रीशन आ रही है, लिवर की कहाँ पे आके ओपन हो रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड में अपना सिक्रीशन डाला बक्कल कैविटी में, इधर से लिवर में अपना सिक्रीशन डाला कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेंक्रियास में अपना सिक्रीशन कहाँ डाला, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये साइट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल सा डायग्राम है जो आपने बनाना है, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें हाई लेवल पे थोड़ा सा, तो स्टमक के भी क्या होते हैं, तीन अलग सेल्स होते हैं, कई कई बुक्स में चार भी दिए हुए हैं, चार ही बताए, जहाँ ये ओपन होता है ये वाला हिस्सा, इसको कार्डियक रीजन बोलेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे गैस्ट्रिक पार्ट होता है, यहाँ पे हवा भरती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फंडस पार्ट बोलते हैं। इसके बाद इसके सामने ये बाकी का बॉडी पार्ट बोलते हैं, और लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इतना रीजन, ठीक है ना। इसे अगर हम मार्क करना चाहें थोड़ा सा, ये तो हो गया कार्डियक पार्ट, ठीक है, ये हो गया फंडिक पार्ट, ठीक है, ये कार्डियक हो गया, ये फंडिक हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, और ये जो रीजन बच गया इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के भी चार हिस्से होते हैं, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग क्या होती है टाइप की डाइजेशन, बट इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कितनी बताई थी, 6 मीटर लंबी, और ठीक है ना, 6 मीटर लंबी ये होती है, 1.5 मीटर लंबी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो लगभग 6, 7, 7.5 तो आपकी इंटेस्टाइन ही होगी, बाकी पार्ट्स भी बचे गए, ठीक है ना। तो देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन हिस्से हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो यहाँ पे ऐसे है सी शेप में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, क्या बोलोगे, ड्यूडेनम,
उसके बाद यहाँ जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ईलियम। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, तो लार्ज इंटेस्टाइन की भी कई पार्ट है जहां से ज्वाइन हो रही है, इसको बोलते हैं सिक्कम रीजन। और ये जो बाहर अलग सा ब्लाइंड सेट निकला हुआ है इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्या होता है, क्यों होता है, क्या फंक्शन होता है, वो डिस्कस रीजन एवरीथिंग। ठीक है ना, वैसे इसका कोई फंक्शन नहीं होता है डाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्यों होते हैं, देखो वर्मी का मतलब होता है वॉर्म। ठीक है, और अपेंडिक्स मतलब क्या है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जब हम सेलुलोज रिच डाइट लेते थे। ठीक है, जिस टाइम पे मतलब आदि मानव वाला जो टाइम था हमारा, उस टाइम पे हम कुक्ड फूड नहीं लेते थे, हम डाइजेस्टेड एंड जो है सेलुलोज रिच डाइट लेते थे, जिससे क्या होता था वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रहते थे, तो उस टाइम पे तो यूज था इसका। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी डाइट बदल गई और अब हम जो है इतनी ज्यादा सेलुलोज रिच डाइट नहीं लेते, तो हमारी डाइट में सेलुलोज बहुत कम है, ऐसे बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर भी कुछ हद तक क्या होता है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये जो कोलोन रीजन है ये पूरा होता है, ये जो इस तरीके से इसके भी पार्ट है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप यहाँ पे रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है ना, सिंपल सा डायग्राम आपने याद करना है, सभी को बिना देखिए डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें फूड की, फूड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फूड माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा घूम के लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में घूम के फिर आपका एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो डायग्राम शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, हर बच्चे के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।